में समय बहुत बड़ी चीज है और आप लोग बहुत दूर दूर से ड्राइव भी करके आए हैं और आप लोग आए हैं तो हम लोग आए हैं, नहीं तो हमें कौन बुलाता। हमारी तो मासी चाचे सारे अमृतसर में रहते हैं। हेलो जी, थैंक यू वीर जी, शुक्रिया। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए, आपके खुद के शहर के लिए। ये आप लोगों का प्यार है, आप इतना खर्चा करके आए हैं उसके बावजूद हंस रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है बंदे का, अपनी शादी भी 2-4 लाख ज्यादा खर्च हो जाए ना, उसको अपनी बीवी नहीं अच्छी लगती, सुहागरा डिले हो जाती है उसकी, प्यार महंगा पड़ गया। सीरियसली, अच्छा, इस टूर की हमने शुरुआत की थी टेक्सस से, डैलस से। तो वहां पे एक कहावत है कि एवरीथिंग इज बिगर इन टेक्सस। वाकई सब कुछ बड़ा बड़ा था, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े ब्रिज, गाड़ियां जा रही, बंदे दिख नहीं रहे। ये दिनेश ने भी एक फेसबुक पे सेट करके रखा था कोई माहौल किसी के साथ, वो लड़की जब आई वो भी बड़ी निकली उम्र की। फिर इसने ये मुकर गया, कहता मैं नहीं दिनेश, मेरे डैडी हैं। कहता किसी का तो भला हो। सीरियसली, मेरे को तो पता नहीं हम लोग इतनी इतनी छोटी छोटी चपातियां खाते हैं इंडिया में। चपाती भी आई तो इतनी बड़ी, अफगानी नान कोई लेके आया बंदा, मैंने अपनी इतनी तोड़ दी, बाकी किसने लुंगी बना ली थी। एक्चुअली ना, अब तो थोड़ा ठीक हो गया, हमें 15-20 दिन हो गए अमेरिका आए हुए। डैलस पहले दिन गए, बंदे ही ना दिखे हमें। एक्चुअली बंदा कोई नहीं था, मुझे लगा कहां गए हमें बुला के। ऊपर से ये एलन मस्क ने गाड़ियां ऐसी बना दी, अपने आप ही चल रही, उसमें भी बंदे नहीं दिख रहे, सीट नीचे करके लेट रहे, गाड़ी अपने आप चल रही है। एक आदमी ने अपनी बीवी को फोन किया, कहता तेरी गाड़ी कोई औरत लेके जा रही है। कहती मैं ही, तूने बिना मेकअप के देख लिया होगा। डैलस में मैंने देखा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। डैलस में मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगी कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो वो टैक्स ही नहीं लेती है, टैक्स लिया ही नहीं उन्होंने। सड़कें अच्छी अच्छी बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अच्छा बना दिया, लोग बसेंगे बोलते आगे फ्यूचर में जाके, उस हिसाब से प्लानिंग की है। हमारे उल्टा है, हमारे पहले लोग बसने देते हैं लोगों को, अच्छी तरह से बस जाते हैं ना, फिर याद आता है सड़क तो बनानी भूल गए, फिर घरों के बीच में से सड़क निकालनी पड़ती है। इसलिए आप देख लो, कभी कभी हमारे हाईवे के दोनों तरफ ना बाथरूम आधे आधे कटे मिलेंगे आपको, सड़क बना के निकल गए। यहां पे मैंने अपार्टमेंट देखे लोगों के, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, कोई तारों पे कपड़े नहीं डालता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी। तो बाहर से पता नहीं चलता कि कोई अंदर रह रहा है कि नहीं रह रहा है। मैं तो अब जिस शहर में रहता हूँ, मुंबई में पले बड़े, हम लोग अमृतसर में हैं, वहां पे तो खिड़की खोलो सामने खेत नजर आते थे, मुंबई में खिड़की खोलो सामने कच्चे बनियान टंगे नजर आ रहे हैं, वो भी छेद वाली बनियान, छेद में से घूर के आप देख लोगे इस घर में कितने लोग रहते हैं। यहां पे मैंने देखा ज्यादा होते नहीं, आस पड़ोस से ज्यादा बातचीत होती नहीं। तभी हमारे बुजुर्ग जब अपने बच्चों से मिलने आते हैं, पोते पोतियों से मिलने आते हैं ना, उनका दिल नहीं लगता, क्योंकि बातचीत करने वाले लोग नहीं है आस पड़ोस में। ऊपर से ठेले वाला भी नहीं कोई निकलता सब्जी वाला, कि बंदा उससे टाइम पास कर ले, और तो और मक्खियां भी नहीं कि बंदा वही मार ले। यहां तो मैंने देखा अंग्रेज लोग अपने पड़ोसी ज्यादा बात बात नहीं करते, हमारे तो बुजुर्ग इतना बात कर लेते हैं कि एक टाइम आता पीछे से जाती हुई औरत को देख के बता देते ये दविंदर की बीवी है, क्योंकि इतना पहचान जाते हैं। ये लाइट इतनी शार्प क्यों है भाई, इस स्टेज पे नोरा फतेही खड़ी है कि तूने बड़ा गौर से देखना मुझे, थोड़ी कम कर दो इसको। हे मैन, कैन यू प्लीज रिड्यूस सम लिटिल बिट लाइट। थैंक्स ब्रो, व्हाट नाउ, इंग्लिश इज ओवर, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड माय इंग्लिश, कम ऑन जैक। एक तो यहां पे सफाई इतनी है ना, मेरा दम घुटने लग गया, पता नहीं कौन कर जाता है, कब कर जाता है। मैंने किसी को सफाई करते नहीं देखा, ना किसी को गंद डालते देखा है। एक औरत जा रही थी कल, हम लोग वहां पे थे सियाटल में, कुत्ते को लेके जा रही, साथ में उसने ग्लव्स ऐसे ना पॉलिथीन डाला हुआ हाथ पे, मैं कहा पता नहीं क्या क्यों उठाया हुआ इसने, पॉलिथीन क्यों है, कुत्ते को लेके जा रही ताकि अगर कुत्ता कहीं पूप कर दे तो वो खुद उठा। कितनी अच्छी बात है, हमारे यहाँ उल्टा है, कुत्ते की ड्यूटी लगा दो तू देख वो खुद पेंट उतार के बैठ जाते हैं। सियाटल में जनरली मैंने देखा कुत्तों की बड़ी इज्जत है, सीरियसली कुत्ते हर जगह अलाउड है। दिनेश इधर ही सेट हो जाए, सीरियसली कुत्तों के गार्डन देखे मैंने, कुत्तों के लिए पार्क, कुत्तों की कितना कुछ, हमारे कुत्ते बेचारे उनको के लिए कोई पार्क नहीं बनी वहां पे। लेकिन मैंने देखा अमेरिका के कुत्ते बड़े स्टिफ बॉडी है उनकी, क्योंकि हर कुछ आसानी से मिल जाता ना। हमारे कुत्ते देखो आप, पार्क में जाने का मन करता ना उनका, तो नीचे पूरी रेलिंग लगी हुई, उसके बीच में से ऐसे निकलते, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है,
नोरा फतेह पटाप जाते हैं हमारे कुत्ते। कुत्तों का सैलून, कुत्तों का फूड अलग है। हमारा पांडे जो पीछे बैठा, पांडे अपनी शक्ल दिखा, वैसे है तो दिखाने वाला कुछ। इसने कुत्ता पाला हुआ है, जो खुद खाता है वही कुत्ते को खिला देता है। उस दिन दाल मखनी खा रहा था, वही कुत्ते को खिला दी। और हमारे गांव खेड़ों में सच्ची नहीं पता होता कि कुत्तों का फूड अलग है। वो एक्चुअली अदरक वाली दाल खिलाते रहते, अदरक खा खा के ना 4 साल बाद कुत्ता भी अदरक जैसा हो जाता टेढ़ा। पर हमारे कुत्तों की इम्यूनिटी बड़ी खतरनाक है। 4 गांव के कुत्ते इकट्ठा हो जाए तो चीता पीट देते, इतनी हल्दी खाई उन्होंने। पर आप लोग यहाँ पे आके बसे हैं, मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान ने जो तरक्की की है उसमें तो आप लोगों का हाथ है ही। इस मुल्क की भी तरक्की में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये बड़ी खूबसूरत बात है, प्राउड वाली बात है। हम लोग शिकागो में थे ना, ये पांडे बार बार बोले जाए, कहते शिकागो शिकागो आ गया शिकागो, किसी को फोन पे बोल रहा था। और मैं कहा शिकागो नहीं होता, CHI मतलब ये नहीं कि शिकागो, शिकागो। उसके बाद एक बंदा जा रहा था वेटर इंडियन, उसको जाकर कहता है मुझे शिकू शेक पीना है। शिकू पांडे आगे से नहीं तेरे को लेके आना मैंने, जो लोग टिकट लेके आए हैं, हेलो अब ये बंद कर दिया, हेलो जो लोग टिकट लेके आए उनके लिए जोरदार तालियां, और जो पास लेके आए हैं उनको तो मेरा प्रणाम। क्योंकि टिकट सबको पता है कहां से मिलती है, ऑनलाइन जाओ पैसे दो, पास के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है आपको। पहले ऑर्गेनाइजर ढूंढो कौन है, फिर उसका ऐसा रिश्तेदार ढूंढो जिसको मना ना कर पाए, जीजा टाइप है ना। पर हमारे बंदे मैंने देखा अमेरिका में आके जिन्होंने ग्रीन कार्ड का जुगाड़ कर लिया, पास की जुगाड़ करने वाली कौन सी बड़ी बात है। पर आप लोगों की मोहब्बत है ये जो हमें यहां पे खींच के लाई है। बाकी प्रैक्टिकली बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं तो ये शो हम लोग 2020 में करने वाले थे, और 3 साल पहले हमने एडवांस ले लिया था। ऊपर से ये हमारे प्रमोटर भाई साहब, इनकी याददाश्त भी नहीं गई, लगातार मैसेज भेजते रहते थे फूलों पे ना, व्हाट्सएप पे गुलदस्ता, उनका कौन सा खर्चा आता है ना, कागज के फूल हो तो बंद। तो उसके बाद फिर फाइनली हम यहाँ पे आए हैं आज 2023 में। याददाश्त मुझे एक चुटकुला याद आया, ये पांडे नहीं हमारा, ये थोड़ा पैग वैग का बड़ा शौकीन है, इसके सपने में भगवान आए, कहते तू बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन तू दारू बड़ी पीता है, 75 साल के बाद तेरे साथ एक चीज होगी, या तो तेरे हाथ कांपेंगे या तेरी याददाश्त चली जाएगी। बोल क्या, कहता भगवान जी हाथ कब कपा दो मेरे, याददाश्त ना जाए। कहता क्यों, कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक ड्रिंक नीचे गिर जाएगी, अगर मैं भूल ही गया बोतल कहां रखी है तो फिर मैं। अच्छा लास्ट टाइम जब हम आने वाले थे US नहीं आ पाए क्योंकि वीजा का इशू हो गया, हम लोग कनाडा में शो करके चले गए, उस समय पेंडेमिक ओवर ही हुआ था, लोग नहीं आए थे पता, क्योंकि मैंने यहाँ की गवर्नमेंट ने भी आई थिंक सब लोगों को पैसे वैसे दिए थे, तो गोरे वहां पे भी कनाडा में भी दिए, लॉकडाउन लगा हुआ था, खर्चते कहां पे, जब लॉकडाउन खत्म हुआ फिर खर्च निकल के काम पे नहीं आए। हम एयरपोर्ट पे उतरे, ना कोई चेक इन करने वाला, ना कोई लगेज लेने वाला, मुझे तो डर लग गया, मैं कहीं जहाज भी ना खुद ही उड़ाना पड़े। अब सच्ची सूटकेस नहीं मिल रहे थे हमें, मैं एक बंदा गया, मैं आपका सूटकेस, कहता मेरा सूटकेस नहीं आया, और बंदा मिला कहता मेरा भी सूटकेस नहीं आया, एक सूटकेस मिला कहता मेरा तो बंदा ही नहीं आया। फिर मैंने एक गुजराती देखा, वो 2 सूटकेस लेके जा रहा था, मैंने कहा आपके कैसे टाइम पे आ गए, कहता मारू एक छूटू छे दूसरों ने 2 लेने जाऊं छू, ये बड़े तेज होते हैं। आए आज यहाँ पे गुजरात वाले भी आए हैं, धन्यवाद। पंजाब से भी काफी लोग हैं ना, आई थिंक शुक्रिया आपके प्यार के लिए। अच्छा यहाँ के लोग जो है ना, एक खासियत है, आप पहचान नहीं सकते कौन टेक्सस से है कौन कैलिफोर्निया से है ना, जैसे हमारे लोगों को पता चल जाता है, आप फ्लाइट में बैठो ना तो जिस कोने से स्मेल आ रही थेपलों की समझ में आ रही गुजराती बैठे हुए हैं, जहां से इडली सांभर की स्मेल आ रही समझ लाओ गुजराती साउथ इंडियन बैठे हुए हैं। और अगर जहाज टेक ऑफ होने के बाद अभी सीधा भी नहीं हुआ और एक आदमी टेढ़ा हो गया तो समझ लो पंजाब वाले भी हैं कुछ। बाकी के लोग तो जहाज सीधा होने के बाद शुरू करते ना, हमें खुशी इतनी होती ना इंटरनेशनल फ्लाइट की, 2 तो हम घर से मार के आते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट पे 3-4 मार लेते हैं, तो शुक्र है भगवान का वो दोबारा बोर्डिंग कार्ड चेक करते हैं फ्लाइट में घुसने से पहले, नहीं तो ये तो किसी और फ्लाइट में चढ़ जाए, क्योंकि 6 पैग लगाने के बाद आदमी एयरलाइंस देख के नहीं चढ़ता, वो एयर होस्टेस देख के चढ़ता कि ये वाली अच्छी है। हम पंजाब वाले ना थोड़े सीधे होते हैं, दिल में कुछ होता नहीं इसलिए बोल देते हैं। बाकी शराब मैंने देखा गुजरात वाले भी कम नहीं पीते।
एक गुजराती आदमी मिला मेरे को, मैं कहा भाई ये हम तो दुबई से आए हैं लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट अगर लेनी हो अमेरिका की तो कितने घंटे की, कहता 20 घंटे की। तो एक पंजाबी भाजी बैठे थे, मैंने कहा भाजी डायरेक्ट फ्लाइट वैसे, कहता भाजी 9 पैक। अच्छा इंडिया से दुबई तक हम लोग आए, दुबई से बाद में यहाँ तक, तो दुबई तक तो सिर्फ अपने ही लोग दिखते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लेवर आपको दिखना शुरू होता है। जैसे मैंने कहा ना कि हर इंसान की खुशबू होती है, ऐसे दुबई वालों की बड़ी अपनी खुशबू होती है, उनकी तो सूंघ भी सकते हो ना, इतनी तेज होती है, इतना परफ्यूम लगाते हैं। मेरे बगल में बैठ गए करबी शेख, मेरे नाक के बाल जल गए, इतना स्ट्रांग परफ्यूम लगाया उसने। मैं अपना लगाने लगा था, मैंने लगाना लेके क्योंकि उसका मेरे ऊपर चढ़ गया। जब यहाँ पे लैंड किए मैंने दिनेश से पूछा, मैंने कहा तेरा जेट लैग चला गया, इसकी गुजराती के साथ सीट आई थी, मैंने कहा तेरा जेट लैग चला गया, तो जेट लैग तो चला गया, मेरे थेबलों की स्मेल नहीं जा रही, उसको हमने नमक वाले पानी से नहलाया। पर मैंने यूएसए में आके एक बात देखी है, बड़ी खूबसूरत बात है, यहां पे हर इंसान बराबर है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, एयरपोर्ट पे सबके कपड़े उतरवा लेते हैं, सीरियसली। बंदा तो पहले तो सूट बूट में आता है, उसके बाद जब घुसेड़ते ना उधर एक्सरे मशीन में, फिर हाथ में शूज पकड़े हुए दो, इधर इधर बेल्ट पकड़ी हुई है, और ऐसे चल रहा लगता ही नहीं एयरपोर्ट, ऐसे लगता सस्ते होटल में पुलिस की रेड पड़ी है। मुश्किल पड़ा है वैसे यूएसए का वीजा में, ये मैं इनको अपने दो तीन लोगों को, ये दिनेश की इंग्लिश बड़ी खराब है, सोचो मुझे जिसकी इंग्लिश खराब लग रही है उसकी कितनी खराब होगी। मैंने इनको दो तीन बातें बता दी, मैंने जब पहली बार आए थे ना, मैंने कहा यार रट्टा मार लो एक दो क्वेश्चन, अगर तुम्हें कोई पूछे है ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो बोल देना टूरिस्ट, और अगर बोले कि हाउ लॉन्ग यू आर गोना स्टे देयर, तो बोलना 30 डेज। इन्होंने रट्टा मार लिया कि है ना कि टूरिस्ट 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 30 डेज 30 डेज 30 डेज। अब अंग्रेज आदमी उसका मन जो किया, उसने अलग सवाल पूछ लिया, वो कहता व्हाट इज योर फादर नेम, ये कहता टूरिस्ट, वो कहता हाउ ओल्ड यू आर, कहता 30 डेज। वो इसके मुंह पे वीजा देने वाले थे वो। अच्छा ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग हमें बुलाते हैं तो अच्छी बिजनेस क्लास टिकटें दे के बुला लेते हैं या, लेकिन मुझे याद है आज भी 2009 में जब मैं पहली बार अमेरिका आया था इकोनॉमी क्लास में बैठ के, मुझे तो पता नहीं था कि इससे आगे भी होती चीज कोई, पर इकोनॉमी क्लास में 20 घंटे बैठ के जो बंदा आता है कुर्सी पे, ये उसी का टैलेंट है वो कैसे एडजस्ट करता है। इकोनॉमी क्लास में हाथ रखने के लिए लड़ रहे होते हैं आपस में, जर्मनी तक तू रख ले फिर मैं रखता हूँ, फिर जीतता वो है जिसके चार पैक लग जाते हैं, क्योंकि वो फिर थोड़ी ना किसी की सुनता है, क्योंकि इकोनॉमी क्लास में ना फैलने की भी ज्यादा जगह नहीं होती, इस तरफ नहीं फैल सकते आप, आगे को फैलता है आदमी, ज्यादा चार पैक लग जाता धीरे 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 वो ना अपनी पैर जो है आगे वाले की सीट में से नीचे से निकाल देता है, जो आगे बैठा उसके भी चार पैक लगे वो कंफ्यूज हो जाता है, टांगे मेरी दो है पैर मेरे चार कैसे हो गए। वो कभी कभी बेचारा अपने फीते बांधने के चक्कर में दूसरे के बांध देता है। अखबार भी ये लोग बिजनेस क्लास वालों को देते हैं, पता है ऐसे खोल सकते हैं, इकोनॉमी में मैगजीन देते हैं जो इतना ही खुलता है आपके शोल्डर लेवल तक। एटीट्यूड बड़ा मायने रखता है, फर्स्ट क्लास वाले जो होते हैं ना, फर्स्ट क्लास वाले मैंने कभी देखा था, मैंने सुना है कि होते हैं, ये फ्लाइट में कब चढ़ते हैं इनका पता ही नहीं, कब चढ़ते हो आप लोग फर्स्ट क्लास वालों, पता नहीं कब चढ़ते, उतरते हुए जरूर आपको दिखेंगे। ये फर्स्ट क्लास वाला आदमी जब उतरेगा ना, एक तो बात ही नहीं करते किससे, क्योंकि अपने अपने कमरे होते हैं उनके, जब लैंड होता है ना जहाज इनका, फिर अपना बैगेज से जब निकालने लगते हैं पीछे देखते हैं लंबी लाइन, पता नहीं किस बात पे हंस के जाते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। बिजनेस क्लास में जो आदमी बैठ के आया 16 घंटे लेट के आया, उठ के स्ट्रेचिंग तो ऐसे करेंगे जैसे जहाज को चला के आया, इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट, वेरी टायरिंग। इकोनॉमी क्लास वाला बंदा ज्यादा नखर नहीं करता, वो जैसे फ्लाइट लैंड होती है एक हाथ उसका बैगेज में, दूसरा पैंट जो अंदर चलेगी ना चेंज, उसको निकालना आता है।